भारत की ताकत का एक और सबूत, भारत के पराक्रम का एक और नजारा, ये रहा आपके सामने। स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। अरब सागर में अपने टारगेट पर सीधा और सटीक निशाना और बन गया इतिहास। इतिहास इसलिए क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश जिस टेक्नोलॉजी के सपने देख रहे हैं, उसे भारत ने स्वदेशी पराक्रम से हकीकत में बदल कर दिखा दिया है। ये परीक्षण इसलिए और खास था क्योंकि हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने हाई लेवल और बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड टारगेट को युद्धाभ्यास के बाद बेहद ही सटीकता के साथ भेद दिया। प्राइम स्ट्राइक हथियार के रूप में ब्रह्मोस की यह महारत नेवल सरफेस पर भारत को अजेय बना देगी, क्योंकि लंबी दूरी पर भारत का निशाना अब बेहद ही अचूक होगा और तबाही मचाने वाला भी। स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया तो हमारे दुश्मनों का कलेजा हिल गया, क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है और जब ऐसे हथियार जल सेना में भी शामिल हो जाएं तो ये बेहद ही खतरनाक हो जाते हैं। इस सुपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से भी 2.8 गुना ज्यादा है और ये पिन पॉइंट पर निशाना लगाने में माहिर है। इससे पहले DRDO ने ओडिशा के बालासोर में भी 30 सितंबर को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का धरती से सफल परीक्षण कर अपनी ताकत दुनिया को दिखाई थी और अब पानी पर भी इस महारत को हासिल कर लिया है। बीते 2 महीनों में भारत 10 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। रुद्रम 1 और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इनमें सबसे खास है। इसे हाईटेक से हाईटेक रडार की आंख भी पकड़ नहीं सकती। अरुणाचल प्रदेश में इसकी तैनाती के बाद से चीन की सेना भी अपने तिब्बत और यूनान प्रांत पर इसे खतरा मानने लगी थी। यही है हमारी स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का दम।